बड़ा ऑपरेशन करते हुए अवैध पिस्टल बेचने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए चार बदमाशों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 9 पिस्टल व कई मैगजीन बरामद की गई हैं। मथुरा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के आदेश अनुसार अवैध असला तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध हथियारों की तस्करी करने जा रहे गिरोह को पकड़ लिया। मुखबिर के द्वारा पुलिस को एक सूचना मिली कि अवैध हथियार तस्करों के द्वारा नंदगांव पुल के नीचे तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने पर थाना कोसीकला पुलिस व एसओजी के द्वारा वहां दबिश दी गई तो तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को धर दबोचा। भारी मात्रा में देशी और विदेशी अवैध असला बरामद किया गया। वहीं पकड़े गए गिरोह के 4 सदस्यों से पुलिस के द्वारा कड़ी पूछताछ की गई तो पता चला कि गिरोह के 4 सदस्य बुरहानपुर, झनरिया, खंडवा व मध्य प्रदेश से अवैध पिस्टल और तमंचा लेकर आते हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली जैसे अन्य कई राज्यों में ग्राहकों को तलाश करते हुए मांग के अनुसार उचित मुनाफे से लोगों को बेचते हैं। पकड़े गए 4 तस्करों से 9 पिस्टल 32 बोर की, 11 तमंचा, 315 बोर की और 4 32 बोर की मैगजीन बरामद की है। प्रेस वार्ता करते हुए मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने जानकारी दी। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। मथुरा में आज एसओजी की टीम और कोसी थाने की टीम के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें 15 अगस्त को देखते हुए जनपद में एक अलर्टनेस और सेंसिटिविटी के तहत हम लोगों ने टीम्स को लगाया हुआ था, तो उसमें आज एक इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 4 लोग वर्तमान में गिरफ्तार हुए हैं, जो 3 मथुरा के और 1 हाथरस के रहने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश से पिस्टल्स, तमंचे सोर्स करते थे। सोर्स करने के बाद मथुरा, आसपास के ज़िलों में, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा में इनकी सप्लाई करते थे। इन लोगों से 9 पिस्टल्स, 11 तमंचे और 4 मैगजीन्स बरामद हुई हैं। इसके अलावा इन लोगों से पूछताछ में ये भी सामने आया है कि मध्य प्रदेश में बुरनिया, खंडवा करके जो जगहें हैं वहाँ पे इनका मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ से इन लोगों को सोर्स किया गया, असलों को सोर्स किया गया वहाँ से। तो हमारी टीम अभी इसमें काम कर रही है, क्योंकि इसमें अन्य और भी इस प्रकार के लोग हैं जो आसपास के ज़िलों में, राज्यों में सप्लाई करते थे और जो मूल रूप से बनाने वाले हैं, उनके ऊपर भी हमारी टीम काम कर रही है। तो बहुत जल्दी इसमें आगे भी और गिरफ्तारियाँ करी जाएंगी। पूर्व में भी इस प्रकार से ये वेपन्स को सेल करते थे, तो उसमें भी हमारे द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई करी जा रही है, जानकारी करी जा रही है। एक अपराधी इनमें ऐसा भी है जिसका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। बाकी जो अपराधी हैं उनके आसपास के राज्यों में, आसपास के ज़िलों में जो आपराधिक इतिहास हो सकते हैं, उसके संबंध में भी पुलिस के द्वारा जानकारी करी जा रही है।